श्री श्री रामलीला समिति आर्यनगर के तत्वावधान में मानसरोवर मैदान में आयोजित लीला के छठवें दिन शनिवार को अयोध्या की मां सरयू आदर्श रामलीला मंडल के संयोजन में कलाकारों ने दशरथ मरण, भरत कौशल्य संवाद, भरत जी का चित्रकूट प्रस्थान का मंचन किया। आज की लीला मंचन का शुभारंभ एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सीओ कोतवाली वीपी सिंह सहित समिति के सदस्यों द्वारा भगवान की आरती के पश्चात आज की रामलीला में प्रभु श्री राम के चित्रकूट आश्रम में पहुंचने का चरित्र का चित्रण किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के महामंत्री पुष्पदत्त जैन ने बताया कि 19 अक्टूबर को गोरक्षपीठाधीश्वर तथा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भगवान श्री राम का राज तिलक किया जाएगा। उन्होंने बताया दिनांक 8 तारीख से रामलीला प्रारंभ हुआ है रामलीला मैदान मानसरोवर के प्रांगण में, और यह 101वां वर्ष है। यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि दशहरे के दिन परम पूज्य महंत गोरखनाथ पीठाधीश्वर यहाँ पर भगवान का तिलक करते हैं और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बाबा दिग्विजय नाथ पहले हाथी पर चढ़ के आते थे, उसके बाद जो है अवैधनाथ जी महाराज पीठाधीश्वर वो आते थे, और उसके बाद अब हमारे परम पूज्य महंत आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह 19 तारीख को
दशहरे के दिन यहाँ पर जो है रामलीला में मैदान में आएंगे और भगवान का तिलक करेंगे, पूजन करेंगे और उनका संबोधन भी होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और 20 तारीख को हम लोग यहाँ रावण वध का कार्यक्रम है, जो बहुत ही विशाल रावण बनता है, आतिशबाजी होती है और बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ होती हैं। उसके बाद 27 तारीख को भरत मिलाप का कार्यक्रम, वह जो है घासीकटरा ठाकुर मंदिर से उठ के अली नगर में, आर्य नगर में जो है सुबह प्रातः 5 बजे 28 तारीख को प्रातः 5 बजे होगा। और उसी दिन रात को सायंकाल 6 बजे से राजगद्दी का कार्यक्रम 28 तारीख को ही आयोजित है, जो आर्य नगर में जो मंच बनता है उसी मंच पर वो भरत मिलाप का, राजगद्दी का कार्यक्रम और भरत मिलाप का कार्यक्रम दोनों संपन्न होगा। और अधिक से अधिक लोगों को इसमें भागीदारी, हम प्रार्थना करते हैं कि रामलीला मैदान मानसरोवर में और आर्य नगर के भरत मिलाप में सभी नागरिक आकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और अवलोकन करें। जय श्री राम।